आपकी जो नेचर होगी, आपको ये पूरा जो मैंने इस में जो पढ़ाया है उसके क्वेश्चंस, उसकी नेचर, आप क्वेश्चंस जो होगी, मतलब भले जो भी आपसे एग्जाम ले उसके सेंटेंसेस, उसके क्वेश्चन क्यूरी जो होगी ना, इस नेचर से रिलेटेड होगी, इससे अलग कुछ भी नहीं होगा। ये मतलब होगा सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, फिर भले सेंटेंस कोई क्वेश्चन चेंज हो सकता है, लेकिन थीम आपके क्वेश्चन का ये होगा जो मैं आपको दे रहा हूं। व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, उसमें क्या कंजंक्शन लगाते हैं, आप बताएं इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है, ये फर्स्ट ये होता है। ये आपके असाइनमेंट है, ये आपका होमवर्क के मैं दे रहा हूं, मुझे आप फिल करके प्लीज भेजना, ठीक है, या ग्रुप में भेजना या कल। व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्या इंडिपेंडेंट क्लॉज में आप कंजंक्शन लगाते हो, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन लगाते हो, 40 ऐसा ही, ठीक है, 6 बजे शुरू थे क्लास, 6:40। तो आप देखें बेटा, देखो इंडिपेंडेंट क्लास जो होता है, तो बेटा इंडिपेंडेंट क्लास के अंदर यानी हम जो वो क्या इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वर्ब जो होता है बेटा, मैं अभी आपको बता दूं, जो वर्ब है यानी इंपरेटिव सेंटेंस, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। एन इंडिपेंडेंट क्लास इज डिवाइड ऑफ सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस, सब्जेक्ट एंड वर्ब इज एन इंडिपेंडेंट क्लास, सब्जेक्ट एंड वर्ब, ओके, उसको हम क्या कहते हैं, वो इंडिपेंडेंट क्लास हो जाता है। चलो मैं लिख लेता हूं, सब्जेक्ट हो जिसके अंदर बेटा, प्लस वर्ब, फाइनाइट वर्ब जिसको आप बोले, क्या फाइनाइट वर्ब, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लास, इसको सेंटेंस भी कहते हैं, इसको इंडिपेंडेंट भी क्लास कहते हैं, इसको मेन क्लास बोले, इसको प्रिंसिपल बोले, जो बोले बेटा वो दुरुस्त है। उसके बाद सेकंड देखें, व्हाट इज अ डिपेंडेंट क्लास, बेटा डिपेंडेंट क्लास वो होता है जिसमें सबॉर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल, अ सेंटेंस डिपेंड, अ सेंटेंस डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंट सेंटेंस, जो सेंटेंस इंडिपेंडेंट सेंटेंस पे डिपेंड करे उसको डिपेंडेंट कहा जाता है, लेकिन इसके अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कंजंक्शन जो दिया हुआ, अ सेंटेंस, देखो अ सेंटेंस, अ सेंटेंस डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंट सेंटेंस। अब ये हमारे सारे एडवर्ब क्लास वगैरह, ओके, एडवर्ब क्लास, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, बेटा ये सारे मैंने दिए और ये सारे डिपेंडेंट है, अ सेंटेंस डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंट क्लॉज या इंडिपेंडेंट सेंटेंस, उसको हम कहते हैं। व्हाट आर द सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस, ये जो बनता है, ये जो बनता है बेटा, ये डिपेंडेंट क्लॉज जो बनता है, ये इन कंजंक्शन की वजह से बनता है, वो कौन से, देखो वो टाइम वाले कंजंक्शन होते हैं, कंडीशनल होते हैं बेटा, रीजन वाले होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कंजंक्शन, ये नेम ऑफ कंजंक्शन में लिखता हूं, नेम ऑफ कंजंक्शन, नेम ऑफ कंजंक्शन जो होते हैं उनसे यानी सबॉर्डिनेट बनता है। मैं जवाब इस तरीके से दे रहा हूं क्योंकि पूरे हम इधर इतने लिख नहीं पाएंगे। नेम ऑफ कंजंक्शन मतलब टाइम के कंजंक्शन हो तो भी सबॉर्डिनेट हो जाते हैं, कंडीशनल अगर हो कंजंक्शन तो भी आप देखो यानी सबॉर्डिनेट हो जाता है, ठीक है। अगर आप देख,